हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आप सबको लेके जा रही हूँ हमारी गोवा की ट्रिप पे। तो ये देखिए, सोमू बिल्कुल तैयार है फुल गोवा वाले लुक में, और हम मेट्रो से जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट है और हम लोग जा रहे हैं साथ में। हम पहुँच गए एयरपोर्ट और हम दीदी अभी तक आई नहीं, हम दीदी का वेट कर रहे हैं। दीदी हमेशा की तरह लेट हैं। ये दोनों जा रहे हैं आगे आगे और मैं इनको फॉलो कर रही हूँ कि मुझे पता नहीं है एयरपोर्ट। इतना वेट कराने के बाद ये आ चुकी हैं। चलो 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 चलो। डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना लगेज दे देना होता है। चेकिंग, हर जगह चेकिंग ही चेकिंग है। और कुछ 1 आवर में हम पहुंच गए हैं गोवा। बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे, मतलब ऐसा लगा कि मैंने सिर्फ 3 से 4 गाने सुने और मैं गोवा पहुंच गई। बड़ा मज़ा आया, फर्स्ट ट्रिप था फ्लाइट में, तो हाँ एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ा सा डर भी लगा था, पर ठीक है, अब मुझे मज़ा आया। एक बार चली गई तो मैं वापस जा सकती हूँ। सारे गरीब खड़े हैं यहाँ, गरीबों अपना बैग उठा लो। ये किसका बैग है? इस गरीब का बैग मिल गया, ये हमारा अपना बैग भी नहीं पहचान रही, मैंने पहचाना। ये है गोवा एयरपोर्ट और यहाँ आते ही आपको मैं बता दूँ कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना होता है जो है गोवा माइल्स, जहाँ से टैक्सी आपको बहुत ही कम रेंज में मिल जाएगी, वरना टैक्सी वाले बहुत लूटते हैं यहाँ पे। हमें जाना था साउथ गोवा, तो हम साउथ गोवा के लिए टैक्सी कर रहे थे। हमने ऐप डाउनलोड किया है। कौन सा ऐप डाउनलोड किया है? गोवा माइल्स। गोवा माइल्स ये ऐप डाउनलोड करना है, गोवा माइल्स, और फिर आपको सबसे कम प्राइस में एक यही टैक्सी है जो आपको छोड़ेगी। सोमू भी टैक्सी वाले से बात कर रही है। चल उधर। एयरपोर्ट से हमें कुछ 1 आवर मैक्स 1.5 घंटा लगा होगा और हम अपने रिसोर्ट में पहुंच चुके थे। आप जब भी गोवा जाएं तो डे टाइम में जाएं, मतलब कोशिश करें कि डे टाइम में पहुंचे, ताकि वो ज़्यादा बेटर होता है हम, और स्पेशली अगर आप साउथ जा रहे हैं तो, बिकॉज़ ये बहुत ही अंदर होता है एंड ये एरिया बहुत ही लोकल लोग्स के लिए है, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते, तो पूरा रोड खाली होता है, तो रात में जाना सेफ नहीं है, तो बेटर होगा आप मॉर्निंग में ही जाएँ। थैंक यू सो मच। मत दिखा भाई, कितना टाइम लगा आने में? 2 घंटे। 2 घंटे प्रॉपर 2 आवर्स। और हम सब बहुत थक गए हैं, पर हम क्या करेंगे रूम में जाके। थके तो नहीं है, बस स्नैक्स, थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गया। नहीं मैं थक गई हूँ, तो मैं तो अब इतनी रात को पहुँचे ही हैं हम, तो हम जाके खा पी के सो जाएंगे, उसके बाद हम सुबह सुबह निकलेंगे घूमने, और फिर कहाँ कहाँ घूमने निकलेंगे हम आपको दिखाएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे मेरा चश्मा चमक रहा होगा ना, वैसे ऊपर करके बोलना चाहिए, कोई बात नहीं। पर हम पहुंच गए हमारे स्टे में। यहाँ आते ही फील बड़ा मस्त आ रहा है, सारे फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, सब गोरे गोरे लोग और हम काले काले। ये हमारी कैब थी जिससे हमें बड़ा मज़ा आया आने में, हमारे ड्राइवर भी बहुत अच्छे थे, बहुत एंटरटेन हुआ। ब्लॉगर क्या बैग पकड़ सकते हो हमारा?
मेरा तो एक हाथ फोन पकड़ा हुआ है ना और दूसरा हाथ मेरा दूसरा फोन, मेरे पास दो फोन है। हाँ, अमीर हो ना, फोन है। लव बैग क्या क्या पकड़ोगे आप? अब निकलेगा हमारा सामान। ये सबसे छोटा वाला बैग देख रहे हैं, वो सबसे छोटा वाला वो ही मेरा है, बाकी और सबसे बड़ा वाला बैग बाबू का है। एक्सक्यूज मी, इसमें ज्यादा कपड़े हैं। ये भी मेरा बैग फेंक दिया, आप भी मेरा बैग फेंक दिया, उसने छोड़ दिया। उठाया भी नहीं, मेरा जान में चेत आई है जो पूरे पूरे ट्रिप में जो तुमने केबीसी खेला है ना। ये अब हम पता नहीं क्या करेंगे। मैं आपको अच्छे से होटल दिखाती हूँ, पहले हम रूम ले लें। तो ये है हमारा स्टे और ऊपर भी है ऐसे। गोवा का फील ही अलग है, देख के बता देगा। ये है हमारे होटल का नाम बाय द वे, विंटेज रिसॉर्ट। अगर आप लोग आए तो यहाँ ज़रूर आए। अभी तो हमारा पहला ही दिन है पर अच्छा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं फिलहाल पूल देखने, क्योंकि हम रात को आए हैं तो हम ज़्यादा घूमेंगे नहीं, तो हम पूल देख रहे हैं ताकि हम सुबह कहाँ कहाँ फ़ोटोशूट करेंगे और कैसे कैसे करेंगे वो देख लेंगे, फिर हम सुबह घूमेंगे। ये देखो रील्स तो बड़ा मस्त मस्त आएगा, यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा यार। ये लगता है खाने पीने वाली जगह। वो इस वक्त भी वैसे जा सकते हैं पूल में, इसी वक्त जाना पड़ेगा, सुबह टाइम नहीं मिलेगा। बहुत सही लग रहा है पर ये साफ नहीं पड़ेगा। ये है हमारा पूल एरिया जहाँ हम थोड़ी देर में आएंगे। यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है एंड हम जा रहे हैं अब कुछ खाने। चलो 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 चलो, गोवा में ऐसी सेम मिलेगी तुम्हें, सेम मिलेगी। होटल तो अच्छा है वैसे। अब मेरे को समझ में आ गया यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। हम आ गए पूल में, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। पूल व्यू मॉर्निंग में और भी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया तो पूल में एंट्री बंद हो गई थी, तो इसलिए हमें कुछ हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो हम चुपचाप रूम में जाके सो गए। और ये है गुड मॉर्निंग वाला व्यू हमारे रूम से। तो मैं और बाबू उठ चुके हैं, हम दोनों जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। तो मैं हो गई हूँ रेडी अब पूल में जाने के लिए, और दीदी और सोमू सो रहे हैं क्योंकि वो लोग अभी तक उठे नहीं हैं, उनको थोड़ा आलस भी आ रहा है उठने में। तो मैं और बाबू उठ गए हैं और हम दोनों जा रहे हैं पूल में। दीदी और सोमू ने मिस कर दिया ये पूल वाला मजा, तो मैं बहुत मजा आ रहा है। अब ले सकती स्विमिंग पूल विद द व्यू, देखिए कितना सुंदर है। अगर रोज ऐसे नहाने मिले तो मैं दिन में चार बार नहाऊं। ये था हमारा ब्रेकफास्ट एरिया, ये है हमारा ब्रेकफास्ट एरिया और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने।